ग्वालियर में एक ऐसा अनोखा नजारा लोगों ने देखा कि वो हैरानी से सोचने लगे कि आखिर सांप पकड़ने वाला सपेरा एक व्यक्ति के कान पर क्यों बीन बजा रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस पर लोगों की नजर पड़ी तो समझते देर नहीं लगी कि माजरा कुछ और ही है। दरअसल आरोपी बस कंडक्टर ने एक 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे पकड़ने के बाद ये अनोखी सजा दी गई थी। बीन बजाने की ये अनोखी सजा घाटीगांव SDOP के कहने पर दी गई। आरोपी बस कंडक्टर का जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान आरोपी कंडक्टर बार बार उठक बैठक कर कान पकड़ कर अपनी करतूत पर माफी मांगता रहा और कसम खाकर कह रहा था कि वो अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहगीर सपेरे आरोपी के कान पर बीन बजाते हुए जा रहे हैं। कान पे बजा। मैं दूतन की माला नहीं करूंगा, दूतन की माला देना सर। आज के बाद सम्मान दूंगा मैं तो। आपको बता दे, आरोपी छात्रा से हर दिन छेड़छाड़ करता था। जब डरी सहमी छात्रा ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन पीड़िता ने स्कूल के बाहर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्राओं की शिकायत सुनने के लिए लगाई गई बेटी की पेटी में पत्र डाला और पूरी बात पत्र के जरिए बताई। जब पेटी खोली गई तो पुलिस को छात्रा का ये पत्र मिला। बेटी की पेटी में डाले गए पत्र में लिखा था कि वो 10वीं क्लास की छात्रा है और बस से स्कूल आती जाती है। जिस बस से वो आती जाती है उसमें एक बस कंडक्टर जिसका नाम जयेंद्र रावत है, वो आए दिन बस में आते जाते उसे परेशान करता है और बड़े बड़े कमेंट करता है, जिससे वो परेशान हो गई है और उसकी मदद की जाए। छात्रा की परेशानी को समझते हुए तुरंत घाटीगांव के SDOP संतोष पटेल ने आरोपी बस कंडक्टर को पकड़ने के लिए एक टीम को आदेश दिया, जिसके बाद शिवपुरी जिले के नरवर से ग्वालियर तक चलने वाली इस बस को जब ढूंढ कर घाटीगांव में रोका गया तो उसमें आरोपी कंडक्टर जयेंद्र रावत भी पुलिस को मिल गया। फिर क्या था, पुलिस ने आरोपी की ऐसी क्लास ली कि उसका जुलूस निकालते हुए थाने तक ले गई। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए अपने किए की माफी मांगता रहा। तब आसपास खड़े लोगों को आरोपी की करतूत के बारे में पता चला। फिर राहगीर सपेरे भी जुलूस में शामिल हो गए और आरोपी को सबक सिखाते हुए उसके कान पर बीन बजाने लगे। हम अपनी पीड़ा को या कोई शिकायत है कैसे ऊपर स्तर तक पहुंचाए, तो हम लोगों ने बताया कि आप टोल फ्री नंबर डायल 100-1098-1090 के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे सुरक्षित आपकी स्कूल में बेटी की पेटी लगी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो बेटी की पेटी को आज खोला थाना प्रभारी के साथ जाकर, तो उसमें एक आवेदन मिला जिसमें लिखा था कि बस कंडक्टर उन्हें परेशान करता है। और जैसे ही बस आई, हम लोग पुलिस पूरी मौके पर पहुंच गई थी। बस कंडक्टर को थाने पर ला रहे थे, तभी नागरिकों ने भी उसको सबक सिखाने के लिए वहां पर कुछ जो लोग उपस्थित थे सपेरे थे, उन लोगों ने बीन बजाकर एक उसको संदेश दिया कि यदि आप गलत नियत रखेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो पहले तो पुलिस आपको जेल भेजेगी और उसके बाद समाज भी आपको सबक सिखाएगा। जुलूस निकालते हुए पुलिस आरोपी को लेकर घाटीगांव पुलिस थाने पहुंची, लेकिन इतनी सजा आरोपी को मिल जाने के बाद छात्रा ने इस मामले में आरोपी पर FIR कराने से मना कर दिया। पुलिस ने भी छात्रा की परेशानी को समझते हुए आरोपी युवक के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।